कि 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो जाएगा। संविधान सौंपने के पहले वाला दिन है 25 नवंबर 1949 को वो संविधान सभा में बोल रहे हैं। थैंक यू। 26 नवंबर को संविधान सौंप दिया उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को और अंगीकार भी करें। तो 25 नवंबर को बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र में समानता आ जाएगी। बाबा साहब समानता के, स्वतंत्रता के, भाईचारा के बहुत बड़े पैरोकार, बड़े पैरोकार, इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स के चैंपियन अगर रहे तो बाबा साहब, और बहुत विदेशों में भी उनको याद किया जाता है। यार किस तरह के आदमी थे, किस तरह के अभाव में जीवन जिया और क्या थॉट देंगे। तो उस समय भी वो थॉट देके जा रहे हैं कि 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र में समानता आ जाएगी, मतलब एक व्यक्ति एक वोट, उसका मूल्य भी एक। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई बड़ा सेठ होगा उसके भी वोट का मूल्य एक, और कोई दलित समाज का आदमी भी वोट देगा तो उसके भी वोट का मूल्य एक। तो ये राजनीतिक समानता आ जाएगी। कुछ रिजर्वेशन के कारण हमारे एमपी एमएलए भी बन जाएंगे, तो राजनीतिक समानता की ओर हम तेजी से बढ़ जाएंगे। लेकिन दो हमारे ऐसे क्षेत्र रहेंगे, देखिए आप, महापुरुष वही होता है जो आगे की सोचता है। अब वो 25 नवंबर 1949 को बोल रहे हैं और बहुत आगे की सोच रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और वो कह रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में असमानता रहेगी, राजनीतिक क्षेत्र में समानता आ जाएगी। हम संविधान में छुआछूत को समाप्त कर रहे हैं आर्टिकल 17 के तहत, तो छुआछूत भी धीरे धीरे समाप्त होगी, लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता है इसको कौन दूर करेगा। और ये लंबे समय तक असमानता नहीं रह सकती, ऐसी वो चेतावनी भी देते। तो दूसरे देशों ने असमानता का भाव देखा और लंबे समय तक असमानता रही तो कई जगह क्रांतियां हो गई। हम हमारी स्वतंत्रता को क्या हम अक्षुण रख पाएंगे? तो वो कहते हैं तभी रख पाएंगे जब हम सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता लाएंगे। फिर वो ये भी कहते हैं कि आने वाली सरकारों का ये काम होगा कि जितना हो सके जल्दी वो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समानता ले। अब मैं विजयताई रायडकर के भाषण का उल्लेख करता हूं। सीपी जोशी जी ने भी जीते, गांव में एक आदमी रहता है, एक के कच्चा मकान है, एक के पक्का मकान, तो वो भी असमानता। बाबा साहब ने असमानता समाज बने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा। इक्विलिटी, गांव में एक आदमी के पास लाइट है, घर में एक के लाइट है, गांव में पूरे गांव में लाइट है। जब नरेंद्र मोदी 2014 में आते हैं तो एक पूछते हैं हम लोगों को कि लाइट कितने गांव में नहीं है, तो पता चला 18,000 गांव में लाइट। जब हम अध्ययन कर रहे थे वेंकैया नायडू जी के साथ तो पता चला कि जिस गांव में लाइट नहीं है वहां लड़कियां भी नहीं देते, बोले तुम्हारे गांव में तो लाइट ही नहीं। ऐसी असमानता जिसका जिक्र बाबा साहब कर रहे हैं, अब एक के घर में टॉयलेट है और एक के घर में टॉयलेट है, असमानता। ये जो सामाजिक असमानता थी इसको कांग्रेस ने चोट नहीं की। कांग्रेस ने देखा कि ये तो वोट हमें दे ही रहे हैं,